सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपके लिए सेशन लेकर आए हैं, वो बेस्ड है वर्चुअल असिस्टेंट इंटरव्यू के लिए। और उम्मीद करता हूं आज के टेक्निकल राउंड के जितने भी क्वेश्चन है जो वर्चुअल असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट है आपको बहुत बेनिफिट देंगे अपने इंटरव्यूज में। और बताना चाहूंगा हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट बॉडी इंग्लिश की वीडियोस देख रहे हो और बहुत कुछ वहां से सीख भी रहे हैं। तो सबसे पहले मोनिका, मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। मोनिका, आज जो हमारा सेशन है वो वर्चुअल असिस्टेंट बेस्ड है, तो मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि वर्चुअल असिस्टेंट का वर्क प्रोफाइल क्या होता है। सर, वर्चुअल असिस्टेंट के बहुत से वर्क्स होते हैं। ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं जो कंप्यूटर और फोन कॉल्स पर घर से ही ना किसी कंपनी के लिए वर्क करते हैं। ये क्लाइंट्स को टेक्निकल, प्रशासनिक और रचनात्मक तरीके से ऑनलाइन सुविधा प्रदान कराते हैं। जैसे अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, रेस्टोरेंट और होटल्स की बुकिंग करना, ट्रैवल अरेंजमेंट करना, फ़ोन कॉल्स अटेंड करना और इवेंट मैनेजमेंट भी करते हैं ये। और जो डिजिटल मार्केटिंग है वो करते हैं, इन्वेस्टमेंटिंग प्रोग्राम को मैनेज करते हैं, ईमेल्स अकाउंट को भी मैनेज करते हैं और ट्रैवल अरेंजमेंट भी करते हैं। और सर, जो लोग घर से बैठ कर कंप्यूटर या फ़ोन से किसी कंपनी के लिए वर्क करते हैं तो वो उस कंपनी के वर्चुअल असिस्टेंट कहलाते हैं। वंडरफुल, बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा मोनिका, ये बताइए कि एक वर्चुअल असिस्टेंट में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सर, एक वर्चुअल असिस्टेंट में बहुत सी स्किल्स होनी चाहिए। उनका टाइपिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और उनका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए और मल्टीटास्क लेने की एबिलिटी होनी चाहिए, गुड आइडिया मेकर होना चाहिए और जो ओरल और रिटन की स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि वो प्रेजेंटेशन और जो फ़ोन कॉल्स हैं और जो रिपोर्ट्स हैं उसे अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सके। सर, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं जैसे कि ऑनलाइन कैलेंडर, डेस्कटॉप शेयरिंग वगैरह, हाँ, इन सब की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। सर, वर्चुअल फ़ोन सिस्टम जो व्हाट्सअप, स्काइपी और जो ऐप भी मैसेंजर है उनका नॉलेज होनी चाहिए। सर, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा मुझे ये बताइए मोनिका कि आप वर्चुअल असिस्टेंट क्यों बनना चाहते हैं, व्हाट इज द रीज़न? सर, मुझे इस प्रोफेशन में काफ़ी इंटरेस्ट है। मुझे 10 to 5 PM की जॉब में शुरू से ही नहीं पसंद थी। मैं काफ़ी कॉम्पिटिटिव और चैलेंजिंग लेने वाली गर्ल हूँ, तो मुझे जो मेरी हॉबीज़ हैं नए नए, इस फील्ड में मैं अलग अलग वैरायटी के क्लाइंट से मिलूंगी और मुझे ये मेरी हॉबी भी है कि नए नए फ्रेंड्स बनाना, नए नए कल्चर से मिलना ताकि मुझे उनसे सीखने का मौका मिलता रहे। और मुझे और भी मुझे लोगों की हेल्प करना भी बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि मैं इस फील्ड में अपना करियर ही नहीं बनाऊंगी बल्कि जिस कंपनी के लिए काम करूंगी उसकी बिजनेस को भी ग्रो करवाऊंगी। बिल्कुल। और ये मेरी हॉबी भी है। okay, मैं हेल्पिंग कर, यस सर। सर, ये काफ़ी कंफर्टेबल जॉब है, इससे हम घर पर बैठकर आराम से लैपटॉप पर वर्क कर सकते हैं, बेडरूम में बैठकर आराम से। सो अपने बॉस हम खुद ही होते हैं। सर, मैं इनोवेटिव वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहूँगी क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पर अपडेट रहना बहुत पसंद है। मुझे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, स्नैपचैट और इन सब की काफ़ी नॉलेज भी है और मुझे इन पर वर्क करना भी पसंद है। और मुझे लगता है कि मैं अपनी जो कम्युनिकेशन है उससे क्लाइंट्स को भी काफ़ी बेनिफिट दे सकती हूँ। ओके, दैट्स वेरी गुड। रियली आपने अपना जो पर्टिकुलर एम बताया उसको इलैबोरेट अच्छे वे में किया। चलिए, अब मैं जानना चाहता हूँ, आपने एक वर्ड लिया था इनोवेटिव वर्चुअल असिस्टेंट, तो क्या ये कुछ टाइप्स होते हैं पर्टिकुलर वर्चुअल असिस्टेंट के? यस सर। तो मुझे सारे टाइप्स बताइए आप, कितने टाइप्स के होते हैं वर्चुअल असिस्टेंट? सर, वर्चुअल असिस्टेंट बहुत से टाइप्स के होते हैं। जनरल वर्चुअल असिस्टेंट, इनोवेटिव वर्चुअल असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअल असिस्टेंट, फाइनेंशियल वर्चुअल असिस्टेंट, टेक्निकल वर्चुअल असिस्टेंट। टेक्निकल में क्या रोल होता है, कुछ बताएंगे? यस सर, टेक्निकल में जो आईटी कंपनीज होती हैं, इंजीनियरिंग कंपनीज होती हैं, रियल स्टेट कंपनीज होती हैं, सॉफ्टवेयर वाली, इंजीनियर वाली कंपनीज होती हैं, सर हमें इन सब के लिए वर्क करना पड़ता है। और इनमें जो वर्क करने वाले हैं वो इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और इंटरनेट एक्सपर्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सब लोग होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और फाइनेंशियल में क्या सिस्टम है? सर, फाइनेंशियली में हमें बैंक अकाउंट, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट और इन सब का मैनेज करना होता है। ओके, तो बिजनेसमैन वगैरह करवाते हैं आप लोगों से ये वर्क? यस। ओके, और एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या रोल होता है? सर, एडमिनिस्ट्रेटिव में हमें ईमेल्स मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग मैनेज करनी होती है। और इनोवेटिव में मोनिका? सर, इनोवेटिव में सोशल मीडिया होता है, हमें क्लाइंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट को मैनेज करना होता है, जैसे कि प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना और सर सोशल मीडिया के अपडेट देते रहना। वेरी गुड। चलिए भाई, आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा बताया। अब आप हमें ये बताइए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग वर्चुअल असिस्टेंट? बेनिफिट क्या है वर्चुअल असिस्टेंट रखने का? सर, वर्चुअल असिस्टेंट के बहुत से बेनिफिट्स हैं, इसे रिड्यूस कॉस्ट, सेविंग ट्रेनिंग कॉस्ट एंड सेव टाइम्स, यूज फॉर बेटर यूज फॉर एम्प्लॉयज। ओके, मींस एम्प्लॉय के नॉलेज को बेटर यूज में लेना। यस सर। ओके ओके,
अच्छा आप ये बताइए कि आप डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? सर, मैं अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस, एंटी मालवेयर्स यूज़ करती हूँ, क्लाउड सर्विस यूज़ करती हूँ, और 2FA यूज़ करती हूँ, और जो पासवर्ड मैनेजर है उसको भी इंस्टॉल रखती हूँ। ओके, 2FA मींस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यस सर। ओके, इससे आपके डेटा वगैरह प्रोटेक्ट रहता है। यस सर। ओके, मोनिका, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट? क्या क्या चैलेंजेस आते हैं लाइफ में इस जॉब को करते हुए? सर, कम्युनिकेशन। ओके। एंड फियर। ओके। डिफरेंट लैंग्वेजेस। ओके। और रूटीन एंड डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। ओके ओके ओके, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाती है, टाइम मैनेजमेंट, और जो आपने फियर ऑफ वर्किंग बोला कि नए चैलेंजेस लेते हुए फियर आना, और डिफरेंट वेज ऑफ वर्किंग ऑब्वियस। यस सर। मोनिका, कैन यू नेम एनी स्मार्टेस्ट वर्चुअल असिस्टेंट? श्योर सर, एलेक्सा। ओके, आप कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और एग्जांपल दे सकते हैं? श्योर सर, सीरी एंड गूगल असिस्टेंट। ओके ओके। मोनिका, डोंट यू थिंक वर्चुअल असिस्टेंट जॉब इज फुल ऑफ स्ट्रेसफुल? यस सर। तो डोंट यू थिंक ये स्ट्रेसफुल जॉब आप कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे? श्योर सर। सर, मुझे लगता है कि प्रेशर इतना भी नहीं होगा, और प्रेशर ज़्यादा है तो मतलब ये लेजी लोगों के लिए ही होगा। ओके। लेजी लोगों को ज़्यादा लगेगा ये, बिल्कुल। बट मैं लेजी नहीं हूँ, मुझे चैलेंजेस फेस करना पसंद है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब लगती है सर मुझे। ओके, आपको इंटरेस्टिंग लगती है? और जिनको स्ट्रेसफुल लगता है वो लिथार्जिक लोग हैं आपके अकॉर्डिंग? यस सर। ओके, मोनिका, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप मल्टीपल क्लाइंट्स कैसे हैंडल करते हैं? सर, वर्क इज फर्स्ट प्रायोरिटी, टाइम मैनेजमेंट, और प्रोएक्टिव रहना पड़ता है, लोगों को कभी कभी ना भी कहना पड़ता है, और बट गॉड, जैसे कि आप जानते हैं कि कस्टम क्लाइंट इज गॉड फॉर अस। ओके, तो ये सब चीज़ें आप करते हैं, मीन्स टाइम को मैनेज करते हैं, और जरूरत पड़ने पर लोगों को ना भी कहते हो, प्रोएक्टिव रहते हो। यस सर। इन सब के थ्रू आप मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल कर लेते हैं। यस सर। ओके, कभी कभी आपको वर्क करते हुए प्रॉब्लम्स भी आती होगी? यस सर। तो कैसे मैनेज करते हो? सर, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, हमारे लिए चैलेंजेस होते हैं। okay. जैसे प्रॉब्लम पार्ट एंड पार्शल अवर लाइफ, सो मैं इजीली प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेती हूँ सर। गुड। मोनिका, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? सर, मैंने एज ए फ्रीलांसर 2 ईयर्स वर्क किया, मुझे एक्सपीरियंस है, और मेरे क्लाइंट्स मेरे जो वर्क है उसे काफ़ी इम्प्रेस हुए हैं। okay. और मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, और मैं अपने आप को उन लोगों के साथ तो कंपेयर नहीं करूँगी जो मेरी तरह लाइन में खड़े हैं। okay. कोई मुझसे ज़्यादा भी डिजर्व करता है, कोई मुझसे कम भी करता है, बट मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी, मैं अपने वर्क को लेकर काफ़ी पैशनेट हूँ, ऑनेस्टली वर्क को करूँगी, और टाइम की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जैसे कि इस प्रोफेशन में चाहिए। ओके, मोनिका, आपकी स्ट्रेंथ्स बताइए हमें। सर, स्ट्रेंथ यही है कि मैं वर्क को लेकर पैशनेट हूँ, और ऑनेस्टली वर्क को करती हूँ, और जिस वर्क को करती हूँ उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ। और वीकनेस मोनिका आपकी? सर, वीकनेस है कि मैं किसी को ना नहीं कर सकती, और स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ सर। मोनिका, आपकी हॉबीज क्या है? सर, हॉबीज है नए नए लोगों से मिलना। okay. काफ़ी हेल्पफुल नेचर की हूँ, तो मुझे लोगों से मिलना, कल्चर से मिलना, ट्रैवल करना, और बुक्स रीडिंग करना मुझे सर बहुत पसंद है, और सोशल मीडिया पर मुझे अपडेट रहना बहुत पसंद है। ओके, मोनिका, आपने बताया कि आपको हर तरीके के क्लाइंट से वर्क करना है, लोगों से भी काम करवाना पड़ेगा, तो आप किस तरीके के लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं, और किस तरीके के लोगों के साथ काम करना नहीं पसंद करते? सर, वैसे तो आई एम वर्सेटाइल एंड फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी, मैं कहीं पर भी एडजस्ट हो जाती हूँ। बट okay. मैं जैसे आप पूछ रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगी, मैं उन लोगों के साथ वर्क करना नहीं पसंद करूँगी जो लेजी हैं, okay. जो अपने वर्क को बहुत लाइटली लेते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते, इजीली करते हैं सर, इजी लेते हैं अपने वर्क को काफ़ी, okay. उन लोगों के साथ वर्क करना पसंद नहीं करूँगी। मैं उन लोगों के साथ वर्क करना पसंद करूँगी जो मेरी तरह पैशनेट हैं, ऑनेस्ट हैं सर। That's very good. अच्छा मोनिका, ये बताइए कि आप टीम में वर्क करते हैं या अकेले काम करते हैं? सर, वैसे आई एम टीम स्पिरिट गर्ल, और मुझे ये सारे ग्रुप को लेकर चलना पसंद है, और मैं सारा क्रेडिट खुद नहीं लेती, मैं शेयर करने में बिलीव करती हूँ, बट कभी कभी होता है हमें अलोन भी वर्क करना पड़ता है, और जैसे कि हम जानते हैं ग्रुप में वर्क करने से ज़्यादा अचीवमेंट मिलती है, बट हमें कभी अलग अकेले भी वर्क करना पड़ा तो मैं श्योर नहीं कर लूँगी सर। ओके मोनिका, आप जानते हैं कि अगर हम आपको यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो ऑब्वियस है कि आने वाले टाइमिंग के अंदर कोई और कंपनी भी आपको रिक्रूट करेगी, वो भी पसंद करेंगे कि हम आपको लें, तो इस समय आप जब जॉब छोड़कर हमारे पास आ रहे हैं, या एज ए फ्रीलांसर छोड़कर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे विद अस, आप हमारे पास कितने दिन रुकोगे? सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपके वर्क को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी, मेरे लिए बेटरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि आई एम नेवर वांट्स टू प्ले रोल ऑफ रोलिंग स्टोन इन माई लाइफ। ओके, यू डोंट वांट टू बी रोलिंग स्टोन, दैट्स गुड। और मोनिका, मान लीजिए इस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो सर, वैसे क्या करेंगे?
सर वैसे तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे काफ़ी नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी है, मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट बाय चांस नहीं होता तो हो सकता है मेरे में कोई वीकनेस हो, नेक्स्ट टाइम मैं इम्प्रूव करूँगी और नेक्स्ट टाइम खुद आपके सामने आके बैठूँगी सर। ओके मोनिका, आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है लाइफ का? सर मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूँ एज ए इनोवेटिव वर्चुअल असिस्टेंट और अपना ऑनेस्टली वर्क करूँ, और जिन लॉन्ग टर्म जो गोल है वो मेरा ये रहेगा कि मैं इस कंपनी का इम्पोर्टेंट ज्यूल बन के दिखाऊँ। ओह श्योर, वी विल वेट फॉर दिस थिंग दैट इफ यू वर्क हार्ड एंड बेस्ट डेफिनेटली यू विल बिकम द ज्यूल। ओके मोनिका, हमें ये बताइए कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है, जो आपके नियर एंड डियर्स है, वो आपके बारे में क्या कहते हैं? सर मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, मुझे हेल्पफुल और स्ट्रेट फॉरवर्ड का बताते हैं। ओके, दे टेल यू स्ट्रेट फॉरवर्ड का? यस सर। और आपकी आपने वीकनेस क्या बताई थी मोनिका? सर मैंने वीकनेस बताया था कि मैं किसी को फेस पर ना नहीं कर सकती और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। ओके, दिस इज ऑल्सो यू फील एज इफ योर वीकनेस? सर बिकॉज मैं जानती हूँ कि जो लोग मुझे अंडरस्टैंड करते हैं वो मेरी वीकनेस इसे नहीं मानते कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ये बात अच्छी नहीं लगती, वो माइंड कर जाते हैं, बट उन्हें रियलाइज हो जाता है सर। ओके मोनिका, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं हमसे? सर मनी डजंट मैटर फॉर मी, वर्क इज वर्शिप फॉर मी, मनी नॉट एसेंशियल थिंग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आर मोर इंपॉर्टेंट। तो मेरे लिए ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ इसके साथ पैसा कमाने का मौका मिलेगा सर, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। और मोनिका मान लीजिए एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको कभी टूर्स भी करने पड़े, आपको कभी मीटिंग्स भी अटेंड करनी पड़ी, हो सकता है आपको कभी अलग अलग सिटीज में भी जाना पड़े, तो आप मैनेज कैसे करोगे बीइंग अ गर्ल? सर मुझे होम सिकनेस नहीं है, मुझे घर वाले भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, बट मेरे लिए कश्मीर टू कन्याकुमारी सेम है, और जैसे कि मैंने बताया कि मुझे ट्रैवल करना, नए नए कल्चर से मिलना, और जैसे कि हमें इस बारे में सीखने को भी मौका मिलेगा सर, तो मैं एडजस्ट कर लूँगी सर। कर लेंगे आप, दैट्स गुड। क्या आप बता सकते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या होगा? श्योर सर। सर आपका लास्ट क्वेश्चन यही होगा कि आप मुझसे पूछेंगे कि आप कब ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है। वेरी ऑप्टिमिस्टिक गर्ल यू आर, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक है भाई। यस सर। वेरी नाइस मोनिका, मैं अपने व्यूअर्स से भी बात करना चाहूंगा कि दोस्तों यदि आप लास्ट तक हमारा कोई भी वीडियो देखते तो कोशिश करते हैं हम अपने लास्ट की वीडियो में आपको एक टिप जरूर देते हैं, और आज का टिप बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मैंने मोनिका से एक क्वेश्चन पुट अप किया था दोस्तों कि मोनिका हाउ लॉन्ग विल यू स्टे विद अस, और मोनिका ने बताया था सर आई डोंट वांट टू बी रोलिंग स्टोन इन माई लाइफ। अच्छा जवाब था दोस्तों, इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं कुछ बातें, आप कह सकते हैं सर एज यू नो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेटिस्फेक्शन इन लाइफ, वन इज जॉब एंड अदर इज मॉनेटरी, एंड व्हेन बोथ दी सेटिस्फेक्शन मूव्स पैरेलल देर इज नो रीजन ऑफ चेंज, एंड एज लॉन्ग एज आई एम ग्रोइंग प्रोफेशनली देर इज नो रीजन फॉर मी ऑल्सो टू मेक अ मूव। इसके अलावा लास्ट में अगर आप पंचलाइन देते हैं जो मोनिका ने कहा था सर आई डोंट वांट टू बी रोलिंग स्टोन इन माय लाइफ, आप डेफिनेटली इंटरव्यूअर को बहुत इंप्रेस कर सकते हैं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं ये पर्टिकुलर सेशन में आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, और स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट बॉडी लैंग्वेज आप हमारे दोनों चैनल से देख रहे हैं, पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड। मोनिका वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा नॉलेज दिया, कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू मोनिका। थैंक यू, थैंक यू सर।